Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Analog Circuits. Subject code is KEC-402 and here we are in lecture number 28B. So in previous lecture, हम लोगों ने start किया था voltage series feedback topology और हम लोगों ने drive भी किया था what is the input impedance or output impedance for this voltage series feedback topology. Now in this lecture, in the same manner, अब हम second topology के बारे में बात करने वाले हैं, that is called current series feedback. उसमें हम input resistance, output resistance कैसे drive करते हैं, वो सब देखने वाले हैं. तो चलिए start करते हैं current series feedback. So current series feedback, also known as ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर. जी हाँ, हमने पिछले लेक्चर में कवर अप किया है वोल्टेज एम्पलीफायर. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, दैट इज नथिंग बट करंट सीरीज फीडबैक. तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज करंट सीरीज, तो करंट हमेशा सीरीज फॉर्म में निकलता है. तो दिस इज अवर सीरीज कनेक्शन फ्रॉम द आउटपुट साइड, और इनपुट साइड पे क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन लिया है, तो हियर इट इज सीरीज कनेक्शन. सो दिस टोपोलॉजी बिकम सीरीज सीरीज फीडबैक. अब इस टोपोलॉजी में जैसा कि हमने लास्ट में देखा था कि दोनों ही सर्किट, चाहे वो इनपुट साइड है चाहे आउटपुट साइड है, हमने थेवेनिन से रिप्लेस किए थे. बट इन दिस केस जहां हमारा करंट आ रहा है, दिस नाउ इज करंट इज कमिंग फ्रॉम द आउटपुट साइड, तो आउटपुट सर्किट इज रिप्लेस बाय अ नॉर्टन मॉडल. While input is connected in series, तो series connection is replaced by Thevenin's equivalent. तो यानी कि यहाँ पे जो current है, current के लिए हम Norton use करने वाले हैं, और series connection है तो वहाँ पे Thevenin's है, right? और current के लिए Norton है. तो अगर मैं इसका equivalent draw करूँ, तो इसका equivalent कुछ इस तरह से दिखाई देगा. This is the input side Thevenin's equivalent, जो हमने last lecture में भी सीखा था. That is input source voltage, यहाँ से input current II flow करेगा. ये हमारा resistance RI, जो कि हमारा amplifier का input resistance है RI. यहाँ पे सोर्स रिप्रेजेंट किया जाता है, नाउ दिस सोर्स इज GMVI. तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज थी. बट दिस टाइम आउटपुट वोल्टेज इज व्हाट, आउटपुट वोल्टेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस टाइम आउटपुट वोल्टेज नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाया. नॉर्टन के अंदर ये एक करंट सोर्स होता है और ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, राइट? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर नॉट हो गया, और दिस टाइम इस करंट सोर्स की वैल्यू काउंट होती है फ्रॉम दिस VI अपॉन RI इज इक्वल टू II. तो यहां से II की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से II की वैल्यू आपकी हो जाएगी VI इंटू GM, दैट इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट टू ट्रांसकनेक्टेंस. तो वही चीज यहां पर रिप्लेस की गई है, द करंट सोर्स इज इक्वल टू GM इंटू VI. और बाकी नॉर्टन फॉर्म में बनाया गया, तो एक करंट सोर्स है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये हमारा आउटपुट साइड लोड रजिस्टर है, दिस इज RL, जिसके अक्रॉस हम V0 को कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट जो हमें यूज करना है फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस करंट सीरीज फीडबैक. नाउ एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला फैक्टर अगर मैं बात करूं, तो यहां पे हम लेके चलते हैं वही इनपुट रेजिस्टेंस. इनपुट रेजिस्टेंस के लिए ये कुछ कॉमन यहां पे हैं चीजें जो ऑलरेडी हम पहले भी सेकंड में देख चुके हैं, कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस VI, दैट इज II इनटू RI. सो यहां पे VI का एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इज VS अपॉन II, सोर्स विद रिस्पेक्ट टू करंट, राइट? नाउ देयर इज अ वन डिफरेंस इन दिस इनपुट साइड थेवेनिन्स. इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, वहां पे आ रहा था वोल्टेज सीरीज, यानी वोल्टेज इज कमिंग टुवर्ड्स द फीडबैक, टुवर्ड्स द इनपुट, राइट? फ्रॉम द एज अ फीडबैक टुवर्ड्स द इनपुट. बट नाउ करंट फीडबैक, बिकॉज इट इज कॉन्फिगरेशन इज करंट सीरीज, तो करंट यहां से आ रहा है ना, तो करंट आने की वजह से जो अब की बार फीडबैक वोल्टेज हमें मिल रही है, दैट वैल्यू इज बीटा इंटू वी नॉट. दिस इज द इंपॉर्टेंट चेंज ओवर हियर, बिकॉज यहां पे करंट फीडबैक आ रहा है, तो दिस फीडबैक वोल्टेज इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट. तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहां मेंशन भी किया हुआ है VF इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट. नाउ आगे का डेरिवेशन लगभग सिमिलर है, अगर आपने लास्ट लेक्चर को किया है तो आपको यहां पे समझने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला. सेम केस है कि अगर मुझे इनपुट रेजिस्टेंस ड्राइव करना है, तो दैट इज इक्वल टू VS अपॉन II, और यहां पे अगर आप KVL अप्लाई कर दें, KVL अप्लाई करेंगे तो VS माइनस VI माइनस ऑफ VF इज इक्वल टू जीरो, दैट इज VS माइनस ऑफ VI माइनस ऑफ VF इज इक्वल टू जीरो. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS बिकम, VS इज इक्वल टू VI प्लस VF, राइट? अब VI की जगह II RI रख दिया, और VF की जगह वैल्यू क्या है, दिस इज बीटा I नॉट. तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन बीटा आई नॉट. नाउ जब आउटपुट साइड पे आप जाएंगे, तो आउटपुट साइड क्या कहती है, आउटपुट साइड पे इस आई नॉट की वैल्यू, यानी इस वी नॉट की वैल्यू को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा. सो वी नॉट के लिए मुझे चाहिए पहले आई नॉट की वैल्यू. आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, नाउ दिस टाइम वी यूज करंट डिवीजन रूल. जी हाँ, मुझे आरएल के अक्रॉस करंट चाहिए, तो आरएल के अक्रॉस करंट क्या होगा, दिस कंप्लीट करंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन इज आर नॉट वन इज आरएल. तो व्हाट सेज करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल सेज अपोजिट रेजिस्टेंस, दैट मींस आर नॉट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आरएल प्लस आर नॉट मल्टीप्लाई बाय GM into VI, that is the value of I naught,
राइट. अब सेम काम यहां पे है कि दिस आर नॉट इनटू जीएम डिवाइड बाय आरएल प्लस आर नॉट, ये जो वैल्यू है इसको हम जी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेंगे. नाउ व्हाट इज जी कैपिटल एम, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था ए कैपिटल वी, तो यहां पे जी कैपिटल एम क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रांस कनेक्टेंस इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ आरएल. अगर मैं स्मॉल जीएम की बात करूं तो इसमें यहां पे आरएल का इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता, दिस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांस कंडक्टेंस विदाउट कंसिडरिंग आरएल. और जब हम कैपिटल जी ऑफ कैपिटल एम की बात करते हैं, दैट मींस वी आर इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ आरएल. सो अगर आई नॉट का एक्सप्रेशन देखेंगे तो आई नॉट का एक्सप्रेशन हमें सिंपली आएगा जी कैपिटल एम वी आई, वेयर जी कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज ट्रांस कंडक्टेंस विद टेकिंग आरएल. नाउ अब हमें पहली इक्वेशन मिल चुकी है Vs इज इक्वल टू आई आई आर आई प्लस बीटा आई नॉट. नाउ वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, करंट आई नॉट इज गिवन एज जीएम इनटू वीआई. तो अगर ये वैल्यू आप उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे तो दिस कैन बी टर्न एज आई आई आर आई प्लस बीटा जी कैपिटल एम ऑफ वी आई, एंड वी आई इज बेसिकली वॉट, अगेन आई आई आर आई. तो आई आई आपका कॉमन हो जाएगा, आर आई भी आपका कॉमन हो जाएगा, तो दिस कैन बी टर्न एज वन प्लस बीटा जी कैपिटल एम और आई आई आर आई इज कॉमन. और इधर साइड पे क्या है, इधर साइड पे वी एस है, तो वट इज वी एस अपॉन आई आई बिकम्स, दैट इज इक्वल टू वट, दैट इज इक्वल टू आर आई एफ द फीडबैक द इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, एंड दिस इक्विवेलेंट टू आर आई इंटू वन प्लस बीटा जीएम. तो जी हाँ, इनपुट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर वन प्लस बीटा जी. अब जीएम भी यहां पे एक तरह से गेन ही है, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट जो वहां पे लिखा था वो ये लिखा था कि वन प्लस ए बीटा, यानी जो यहां पे बीटा जीएम है दिस इज कॉल्ड लूप गेन. तो इसलिए हमने वहां पे बाय डिफॉल्ट जनरल फैक्टर में लिखा था ए बीटा की हेल्प से आपका फैक्टर आपका इंपेडेंस या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. बट जब हम पर्टिकुलर एम्पलीफायर में आ जाते हैं दो वी गेट द मेन वैल्यू कि हाँ यहां पे जो फैक्टर है एक्चुअली दैट इज वन प्लस बीटा जीएम. Right, so this is our input impedance increased by a factor 1 plus beta GM. Now, in the same manner, अब हम output impedance drive कर लेते हैं. तो output impedance के लिए same circuit है, but if you remember, output impedance के लिए हमने कैसे drive किया था? जी हाँ, हम इस input side को करते हैं short, और ये जो RL resistance होता है, इसे circuit से कर देते हैं open, so that हमारा circuit कुछ इस तरह से दिखाई देता है. ये RL यहाँ पे open चला गया. Now, one thing important is there, कि यहाँ पे I not current, यानी output current जो flow कर रहा था, वो RL पे flow करता है, right? और वही हमारा feedback पे आता है, जो कि यहाँ beta I not है. तो जब हमने इसको separate कर दिया, तो this current is represented by I not dash, और यही I not dash आपका feedback वापस आ रहा है, right? और अब जो इस circuit के अंदर, यानी जब मैंने R not को हटा दिया, circuit के अंदर यहाँ पे जो current flow कर रहा है, I have taken this is the current I not. राइट right? तो ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आई नॉट डैश जो बेसिकली आरएल में फ्लो कर रहा है, बट क्योंकि मुझे केवल आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसमें मैं आरएल के इफेक्ट को इंक्लूड नहीं करता. इफ आई एम कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ आरएल, देन तो कंप्लीट आर नॉट एफ हो जाएगा हमारा आरओएफ पैरेलल विद आरएल. बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना नहीं है, तो हमें केवल यहां आउटपुट रेजिस्टेंस ड्राइव करना है, और उस आउटपुट रेजिस्टेंस में आरएल के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता. राइट सो यहां पे आई नॉट की वैल्यू आई नॉट डैश से डिफर होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा. ये आई नॉट डैश आरएल के अक्रॉस है, जो कि आपका फीडबैक में जा रहा है. नाउ अब की बार अगर मैं इस नोड पे केसीएल अप्लाई करूं, नाउ इफ आई अप्लाई द केसीएल ओवर हियर, तो क्या होगा? अगर हम इस नोड पे केसीएल अप्लाई करें तो व्हाट आई गेट दिस इज द इनकमिंग करंट, दैट इज जीएम इनटू वीआई. This is the incoming current, this is I not, and this is the outgoing current. और इस branch में R not के across current कितना होगा? R not के across current voltage कितनी है? That is V not. और resistance कितना है? R not. तो current कितना होगा? V not by R not. यानी कि अगर मैं इस node पे KCL apply करूँ, तो I can return as GM into small, this is a small GM VI, then plus I not is equal to V not by R not. तो इसी relation से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है I not is equal to V not by R not minus GM VI. Now, what is the VI in this case? अगर हम VI को कैलकुलेट करेंगे इस नोड पे KVL लगाएंगे, जैसे कि हमने लास्ट में भी लगाया था, तो KVL जब हम कंसीडर करेंगे तो दिस इज इनपुट सोर्स इज 0 माइनस ऑफ VI माइनस ऑफ VF इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VI बिकम्स? VI बिकम माइनस ऑफ VF, एंड VF इज व्हाट? VF इज बीटा I नॉट डैश, राइट? दैट इज बीटा I नॉट डैश. तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा I नॉट डैश, एंड व्हाट इज I नॉट डैश? I नॉट डैश इज बेसिकली व्हाट? दिस इज माइनस ऑफ I नॉट, राइट? तो ये अल्टीमेटली प्लस ऑफ बीटा I नॉट हो जाता है, राइट? तो एक तरह से क्या है, VI की वैल्यू जो हो गई वो हमारी बीटा I नॉट के इक्वल हो गई. तो इस VI की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा? बीटा इंटू I नॉट. तो जब इसको बीटा I नॉट रिप्लेस करेंगे, देन I नॉट के कंपोनेंट हम कहां ले जाएंगे? एक साइड ले जाएंगे. सो यहां पे जब I नॉट यहां पे आपने रिप्लेस कर दिया, सपोज इसकी जगह बीटा I नॉट, इस I नॉट के कंपोनेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड ले गए, ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे, तो दिस बिकम 1 प्लस जीएम. 1 प्लस व्हाट? 1 प्लस जीएम बीटा इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर नॉट. तो ये
वी नॉट बाय आर नॉट क्या हो गया, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी वी नॉट बाय आई नॉट की. सो वी नॉट बाय आई नॉट अगर यहां से कैलकुलेट करूं तो आर नॉट ऊपर चला जाएगा, तो दिस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी एम बीटा, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस भी इस फैक्टर से इंक्रीमेंट कर रहा है. राइट, बिकॉज अब की बार करंट फीडबैक आ रहा है और हमने टोपोलॉजी में पढ़ा था कि करंट इज टेकन इन सीरीज. तो बस एक वही मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर सीरीज में आ रहा है तो हमारा इनपुट इंपेडेंस या आउटपुट इंपेडेंस इंक्रीज करता है, पैरेलल में आ रहा है तो डिक्रीज करता है. सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, यहां पे हम लोगों ने कवर किया करंट सीरीज फीडबैक. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ दीज टू लेक्चर्स, बिकॉज जब जैसे ही आपको ये दोनों लेक्चर रेडी होंगे आप नेक्स्ट लेक्चर बहुत इजीली समझ पाएंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू.